आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस रात्रि के अंतिम पलों में सोने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें जीवन के वरदान के लिए और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। आंखें मंद कीजिए, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाले हे हमारे दयालु पिता अब्बा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सारी सृष्टि के लिए, सृष्टि की एक एक वस्तु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण दिन के पल पल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम तेरे बच्चे हैं, तेरी प्रजा हैं, तेरी भेड़े हैं। हम अक्सर भटक जाते हैं। इसयास नबी के ग्रंथ के 55:8 में तूने कहा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। ये कितना सत्य है, कितना सच है, ये कितनी सच्ची बात है पिता, कि तेरे विचार हमारे विचार नहीं है। हम भटक जाते हैं तेरे मार्ग से। हम उस उड़ाव पुत्र की तरह तेरे पास वापस आते हैं। हम पर दया करना, हमारे पाप के कलंक को मिटा देना, हमें शुद्ध हृदय से सोने की कृपा दे देना। ये पिता, हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, घर परिवार को तेरे अधीन करते हैं, अपने घर के सदस्यों को तेरे अधीन करते हैं, कामकाज को, धंधे व्यवसाय को, सब कुछ को तेरे अधीन करते हैं। सब पर अधिकार लेना पिता, सब कुछ तेरा है, तेरी देन है। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमें संरक्षण देना, सुरक्षा देना। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, तुम्हें ना तो रात्रि की आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हे पिता, हमारे साथ भी ऐसा ही हो, तेरा संरक्षण बना रहे, हमें सुरक्षित रखना। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी आत्माओं को शांति प्रदान करना। आज की रात हमारे लिए आशीष की रात हो, हमें अच्छे सपने मिले, हमें कोई डरावने सपने ना मिले, हर प्रकार के खतरे से बचा के रखना। कल का दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। दयालु पिता, करुणामय अब्बा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के समय तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। संरक्षण देना पिता, बुराई की आत्मा से बचा के रखना। कल का दिन उनके लिए आशीष का दिन हो, आनंद का दिन हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।